मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि हम पांच भाई हैं और दो सिस्टर हैं। लोग हमें ताने देते हैं कि आपके पापा ने इतने बच्चे क्यों रखे। मेहरबानी करके आप इसके बारे में बोले। अतबारों तो ज्यादा के इस लूकन जहालत लूह तो वस तान दिवस क्याज के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि तुम करो तस मसूरा से खानदर तस से निकाह तस सूज पैगाम निकाह कर ज्यादा औलाद पौद करने सलाहत थावा यानी तम सि खानदान मजू कि तम सि खानदान मसूरात तुम्हें ज्यादा औलाद यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिस ये तरगीब कि तथ खानदान में करो खानदर तथ गरज कूर अन ज्यादा औलाद पौद करने सलाहत थावा क्या कि खानदर असली मकसद यह कि इंसान सिलसिल गोजन चालूस अम मूजूब व अगर कंस पांच या चोर बच्चे वो लूख तान दिन तुम जहालत तुम पज तौब कर क्या कि औलाद दिन वोल रब कंस दी कम कंस दी ज्यादा और रब कायनात ते फरमो कि औलाद मा करो यम खौफ कतल कहें कि रिज़क़ ऊपर खनाओ या अमस कथ वो जिंदगी मा सोरी रब स लूख वन है तुम तो ईद चोर बो जन अम मूजूब कि तुम कप कमो तुम तो जमीन आसने कहें यम चीज तान वन गो कि यह तुम जेन मे शायद यम पकन वाल या तो सोरी कह पकन वो दिन वो रब जुल जलाल अम मूजूब लूकन यह चीज यह बिल्कुल गलत लूकन पज तौब कर यह गलती तुम पे माफ़ी मंगी और तुम तो दिल तंग कर कहें रबन तुम पोद कन सू रब खनाए चनाए सोरी कह सू बन तुह क्या तमाम क्या आसो तुम बुत लाइफ में जिंदगी में क्या क्या आसो क्या क्या आस जरूरत और क्या क्या ई तह जिंदगी में सोरी रबस तान वह लूकन जहालत कि तुम तुम तो तान दिवस तुम पज अम नश माफ़ी मंगी और रब जुलजलाल नश पा माफ़ी मंगी यह बदतरीन और बोर बार गलती तुम सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, क्या गर्दन के बाल काट सकते हैं या नहीं? आया तो गर्दन के बाल शाल जायज़ चटन हूँ तुम चटित अत में कहें परवा यम चटन जायज़। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या निकाह की के वक्त जो इमाम साहब फीस लेते हैं क्या वो उनके लिए जायज़ है? अत बार में याद कि निकाह अम उजरत यह सो निकाह पढ़ना है तमस खतर और या तो इमाम साहब खतर उस तुम निकाह पढ़ना है तमस उजरत जायज़ अगर सो मुतालबा कर सो जायज़ अगर सो तुम मुकर्रर कर सो जायज़ इमो वो जहालत कहें कि इमाम साहब शायद पे उजरत दी कहें सो बाकी चीज़ तुम कुरान खानी वगैरह या कुरान बोजना मायसम तुम नहीं कहें निकाह उजरत इमाम साहब खतर जरूरी और दिन सह मुकर्र कर कहें सान इलाक में थोमत कह शत रुपये जन न्याज दिवान मसाजिदन जन कुछ न्याज दिन कह शत फल जियारत पे कह शत रुपये त्रावान ताकस मज यो थोमुत इमाम से दिवान कह शत रुपये इमाम सबन कह शत रुपये इमाम सबन अकू शत रुपये या तो इमाम साहब हे मुकर कर पनी हैसियत अति वो दिवान और इमाम साहब हे मुकर कर मुतालबे तय कर तम सुन हक बना और तुम गो पजो दिन तस और यथ मज अखसू थो याद कुन सा मस्जिद वल तथा मस्जिद जुट बीत सह वन इमाम सब कह शत यह तम सन जहालत सो पृन गोड़ इमाम साहब तमस कोत जरूरत सू कोत मंगा मुतालबे कर यानी कि तुम मुकर थो गि कर जहनस मज कह शत हाँ अगर तुम इमाम साहब छो ग वाना कि चल निकाह पढ़ना कुन जाए ऐसे मिले निकाह यूत फीस गोड़ी चु तुम थाना ये साइन कर एग्रीमेंट तुम कौन तम सा सह अलग मसलह नमाम सब हक बना तम दियु क्या फीस सह हे मुतालबे कर जायज़ और उजरत इमाम सो उसे निकाह पढ़ना है तमस खतर जायज़ और दिन तेन कि सिर्फ कहान शतन थोमुत थफ अत ये सारे थोमुत सिर्फ कहान शतन थफ अल्लाह तबारक व तआला करें हिफाज़।